हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ये एप्पल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है A1369। आपको दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे ही मैं मशीन ऑन करता हूं तो ये मशीन बीप करना शुरू कर देती है और डिस्प्ले नहीं बनता है। तो हम इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वैसे मैं आपको फॉर्मली बताऊं तो इसमें ग्राफिक के चिप की प्रॉब्लम होती है, ग्राफिक वाली जो चिप होती है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, सीपीयू की भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी रैम की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मदरबोर्ड रैम ना उठा रहा हो तभी भी बीप आती है। तो देखते हैं खोल के कि क्या प्रॉब्लम है। खोलते कैसे हैं हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए भी पूरा अलग ही स्क्रू ड्राइवर होता है, इसके स्क्रू अलग अलग होते हैं, बहुत अलग स्क्रू होते हैं इसके। इसके स्क्रू होते हैं ये बहुत ही हल्के टाइप के होते हैं, यदि हम सही स्क्रू ड्राइवर यूज नहीं करेंगे तो इसकी ये टोपी घिस जाती है और वो खराब हो जाता है, फिर खोलना बहुत भारी हो जाता है। इसलिए इसको जो यूज करें स्क्रू का स्क्रू खोलने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर यूज करें वो प्रॉपर ही स्क्रू ड्राइवर यूज करें, ऐसा वैसा स्क्रू ड्राइवर मत यूज करें, क्योंकि यदि जरा सा भी घूम गया हमारा स्क्रू तो वो खराब ही हो जाएगा, फिर खोलना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसमें मेटल की बॉडी होती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आप देखोगे ये इसका मदरबोर्ड है, ये इसकी चिप लगी हुई है, ये होती है इसकी SSD। सबसे पहले हमारा काम होता है बैटरी को रिमूव करते हैं। जो इसमें होता है ये चिप, ग्राफिक वाली चिप ये होती है इसमें, ये यहाँ पे CPU इनबिल्ड होता है, इसी की वजह से भी ये मोस्टली प्रॉब्लम होती है। रैम इनबिल्ड होती है तो रैम को हम पहले खोल के देखेंगे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको चेक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये बैटरी होती है, बैटरी मूव कर लेते हैं। खोलना पड़ेगा हमें, पूरा मदरबोर्ड खोल के ही देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, सारा कुछ डायग्नोस करने के लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा। बड़े ध्यान से खोलना होता है, इसके उल्टे सीधे कनेक्शन होते हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो हमारी केबल के कनेक्टर कटने का डर रहता है। बोर्ड को खोलते हैं। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें दिखा सकते हैं। हम हर तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करते हैं और हमारा लैपटॉप के मदरबोर्ड रिपेयर करने का सक्सेस रेट 80-90% तक है। तो अगर आपके पास में लैपटॉप है या कोई मदरबोर्ड है और वह रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं या हमें दिखा सकते हैं। हम इस लैपटॉप के लॉजिक बोर्ड को खोलेंगे और इसको डायग्नोस करेंगे कि मदरबोर्ड के कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है और यह बीप की साउंड क्यों आ रही है। और हाँ, हम यूज लैपटॉप में भी डील करते हैं और हमारे पास में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सेकंड हैंड लैपटॉप्स आए हुए हैं जिन पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए तो आप हमारे सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सेकंड हैंड लैपटॉप अवेलेबल करा देंगे। हमारे पास में सभी कंपनी के डेल, लिनोवो, HP, मैकबुक, सभी तरह के सेकंड हैंड लैपटॉप अवेलेबल हैं। आप देखोगे इसका मदरबोर्ड है, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बोर्ड होता है मदरबोर्ड इसका। तो हम इसी को चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे हम इसको चेक करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके CPU के आसपास जो कंपोनेंट होते हैं उन्हें चेक कर लेते हैं।
तो इस प्रकार हमें ये सारा कुछ चेक करके ही टाइम लगता है इस चेकिंग में, इतनी जल्दी हम इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको चेक करके, टेस्ट करके इसको रिपेयर करते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद।